हाय फ्रेंड्स, मैं भरत कपूर ओपन टू एक्सप्लोर से। आज हम जा रहे हैं गोवा से गोकर्णा, मतलब हम मडगांव रेलवे स्टेशन पर हैं। यहाँ से जा रहे हैं गोकर्णा, जो यहाँ से 125 किलोमीटर है। और गोकर्णा जाने के यहाँ से तीन तरीके हैं। आप ट्रेन से जा सकते हो, ट्रेन यहाँ से 2 बजे जाती है। अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं तो हम ट्रेन का वेट नहीं करेंगे। या आप बस से जा सकते हो, हम बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं इस टाइम, देखते हैं वहाँ से बस मिलती है या नहीं मिलती। या फिर हम टैक्सी से जा सकते हैं, टैक्सी मुझे लग रहा है 4-5 हज़ार से कम लेगी नहीं 125 किलोमीटर के। तो मैं एक बार साक्षी से पूछता हूँ कि हम कैसे जा रहे हैं, वो बताती है। वो करना, हम कैसे जा रहे हैं माधवी? हम कैसे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं सर, कैसे जा रहे हैं? पता किसी को कुछ नहीं है, कोई हमारी तैयारी नहीं है, बस हम मुँह उठा के आ गए हैं भाई, है ना सर? हम मुंह ढक के आए सर, मुंह ढक के आए, मुंह ढक के आए हैं। पूरा कोविड के प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए अविनाश और माधवी, हमने भी मास्क लगाया हुआ था, बस अभी वीडियो बस के लिए 2 मिनट के लिए खाने के लिए। हाँ, अभी हमने जो समोसे खाए हैं तो अविनाश ने मास्क के साथ ही समोसे खाए हैं। तो हम यहाँ से टैक्सी पकड़ रहे हैं मडगांव रेलवे स्टेशन से कदम्बा बस स्टैंड जाने के लिए। कदम्बा बस स्टैंड से हमें मिलेगी बस, तो ये टैक्सी है जो यहाँ से 200 रुपये किराया लगेगा 5 किलोमीटर का। तो सर आप कंफर्टेबल बैठे हो ना? हाँ सर, आप तो देख ही रहे हो इतना सामान के साथ, बहुत कंफर्टेबल बैठा हूँ। हाँ। सोच रहा हूँ इसको फेंक दूँ, किसका है ये किसका है? जो बंदा दूसरों से पूछ रहा है ना कि आप कंफर्टेबल हो के नहीं, ये उसी का बैग है। या मैं खुद इतना टाइट बैठा हूँ आगे, बताना। हाँ बिल्कुल, लेग स्पेस नहीं है, बहुत टाइट। सही है। और अब हम गोकर्णा जाने के लिए बस में बैठ गए हैं और बस चल चुकी है गोकर्णा के लिए। और अब मैं आपको बताती हूँ गोवा से गोकर्णा जाने का बेस्ट तरीका। तो अगर आप गोवा से गोकर्णा जाना चाह रहे हैं तो चीपेस्ट तरीका पड़ेगा बस लेना, क्योंकि टैक्सी अप्रॉक्सीमेटली 6,000 to 7,000 आपसे ले लेगी और इतना वर्थ नहीं है। और जब आप बस में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप एक लोकल एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो अब बस की डिटेल्स मैं आपको देती हूँ। अगर आप कदम्बा से बस लेना चाह रहे हैं गोकर्णा की, तो एक ही बस है जो कि 1 बजे चलती है। और अगर आप मॉर्निंग में आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन आपके लिए नहीं है। तो इससे बेटर ऑप्शन ये रहेगी कि आप एक बस लें कदम्बा से कारवार के लिए, और कारवार से हर आधे घंटे में बसेस चलती हैं गोकर्णा के लिए। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे जल्दी पहुंचने वाला तरीका है। टिकट प्राइसेस बहुत इकोनॉमिकल है, क्योंकि ये यहाँ की लोकल रोडवेज बसेस हैं। यहाँ से जो हमें टिकट प्राइसेस पड़े हैं कदम्बा से कारवार के लिए, वो है 78 पर पर्सन। कारवार पहुँचने के बाद वहाँ से गोकर्णा है 50 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, वहाँ से भी 50-60 रुपये की टिकट होगी। तो हम कारवार बस अड्डा पहुँच गए हैं, वहाँ उतर के हमें पता चला कि यहाँ से हमें अंकोला जाना है। अंकोला से हमें फिर गोकर्णा के लिए बस मिलेगी। 36 किलोमीटर यहाँ से अंकोला है और अंकोला से गोकर्णा 26 किलोमीटर है। कर्नाटका में अब एंटर हो गए हैं और माधवी बेंगलोर से है, जैसे कर्नाटका से है तो माधवी को आती है कन्नड़। यहाँ पर हम हेल्प ले रहे हैं माधवी की, तो हम तीनों माधवी के पीछे पीछे चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपको जैसे कारवार से अंकोला की टिकट प्राइस बताएं तो 44 रुपीज़ पर पर्सन है,
तो आगे फिर हम अंकोला से गोकर्णा के लिए एक और बस लेंगे या क्या करेंगे वो वहाँ जाके डिसाइड करेंगे, तो आगे आपको बता देंगे। देखते रहिए आगे क्या होता है, देखते रहिए। नहीं तो आगे हम कितनी बसें बदलते ये भी आप देखते रहिए। लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है कि हम आपको सस्ते से सस्ते में गोकर्णा पहुंचा के रहेंगे। అయితే ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ కార్వార్ నుంచి అంకోలా వెళ్తున్నాం, అభి హమ్ కార్వార్ సే అంకోలా జా రే బస్ మే, తో ఆగే ఆప్ జారీ రఖేంగే తో ఆప్ దేఖతే రహేనా క్యా హోతా హై, ఠీక్ హై? అచ్చా ముజే లగా థోడీ దేర్ కే లియే తెలుగు వ్లాగ్ బన్ గయా। तो अब हम पहुंच गए हैं अंकोला। हमें इस जर्नी में पूरा एक घंटा लगा है कारवार से अंकोला पहुंचने में, और उससे पिछली जर्नी थी हमारी कदम्बा से कारवार वो 2 घंटे की थी। तो अभी 3 घंटे हो चुके हैं और हम अंकोला पहुंच चुके हैं। अब ये लास्ट जर्नी हमारी रह गई है अंकोला से गोकर्णा की, ये है अप्रॉक्सीमेटली 26 किलोमीटर की, जिसके लिए हमें बस लेनी पड़ेगी और वो बस को ढूंढने अब हम जा रहे हैं। ये लास्ट पार्ट है हमारे एडवेंचरस जर्नी का फ्रॉम गोवा टू गोकर्णा। हमारे साथ बने रहिए। तो कारवार पहुंचते ही हम कर्नाटका में एंटर कर गए थे, और यहाँ की एक खास बात ये है, अभी हम खड़े हैं बस स्टॉप पे और मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं ये यहाँ का बस स्टॉप है। आप एक बार ही देखिए लोग कितने सिविलाइज्ड हैं, कितने तरीके से अपनी जगह पर बैठे हैं, कोई भीड़, कोई बस के ऊपर नहीं कूद रहा है, कोई बस के आगे नहीं कूद रहा है। तो लोगों की एजुकेशन जो है यहाँ पे अच्छी दिख रही है, एजुकेशन से ज़्यादा उनकी जो कंडीशनिंग है वो बहुत अच्छी है। तो हम बस पर चढ़ गए हैं अंकोला से गोकर्णा जाने के लिए। बस में काफ़ी भीड़ है, बैठने के लिए सीट मिली नहीं। सर पीछे खड़े हैं, साक्षी यहाँ खड़ी है, माधुरी भी पीछे खड़ी है, सामान हमने यहाँ रख दिया है। अभी ड्राइवर भी आएंगे फिर हम चलेंगे। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं गोकर्णा बस स्टैंड। यहाँ से हम ऑटो लेके अपने रिजॉर्ट की तरफ जाएंगे, अपने होटल की तरफ जाएंगे। और लगे हमारे को यहाँ आने के लिए 4 घंटे लगे हैं, लेकिन पैसे हमारे बहुत बच गए, बहुत बजट ट्रैवल था हमारा, हमने सारा बस पर ही किया। अगर आप टैक्सी पे आओगे तो भाई 6,000 रुपये लग जाएंगे। तो अंकोला से हमें गोकर्णा पहुंचने में एग्जैक्टली 1 घंटे लगा है, और इसका डिस्टेंस था 26 किलोमीटर, और 1 घंटे में हम यहाँ पहुँच गए हैं। लोकल बस ली थी हमने, जैसे आपने देखा होगा पर पर्सन टिकट 28 रुपये की थी, विच इज़ क्वाइट इकोनॉमिकल। तो टोटल खर्चा हमारा गोवा से गोकर्णा आने में लगा है अप्रॉक्सीमेटली 150 रुपये पर पर्सन। गोकर्णा की वीडियोस में हमारे साथ बने रहना, उसके बाद हम जाएंगे गोवा और मिलते हैं आपको आने वाली वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।